Assalamu alaikum viewers, welcome again to Paragon Academy Hyderabad online session. Let's discuss another aspect of Islamiyat. So, ek cheez jo mujhe baar baar mujhse students poochte rehte hain, wo ye hai ki sir, hum Islamiyat Urdu mein apt karein ya English mein? To ek ye bada important question hai jis pe logon ko badi confusion se hai. To isko thoda clear karte hain, kyunki logon ka khayal ye hota hai ki shayad उर्दू या इंग्लिश में ऑप्ट करने में इस्लामियत में स्कोर भी मैटर करता है, लेकिन ऐसी कोई भी चीज नहीं है. लेट्स डिस्कस. देखें, चॉइस इज योर्स वेदर यू गो फॉर उर्दू इन इस्लामियत और इंग्लिश इन इस्लामियत. उसका स्कोर से कोई कतन ताल्लुक नहीं है. स्कोर उर्दू में भी अच्छा आ सकता है, इंग्लिश में भी अच्छा आ सकता है, अगर आप पेपर अच्छा सॉल्व करते हैं. ठीक, लेकिन कुछ चीजें जो ध्यान में रखनी है. देखें, एक चीज ये आप नोट करना कि कंटिन्यूसली यू आर राइटिंग इन इंग्लिश इन 5 पेपर्स इन कंपलसरी सब्जेक्ट्स, राइट? और उसके बाद इस्लामियत आता है छठा पेपर जो आपको सॉल्व करना होता है. तो देखें, अगर आपकी उर्दू में स्पीड ठीक है, आप मेंटेन कर सकते हैं, तो गो फॉर दैट. क्योंकि 5 अंग्रेजी के पेपर लिखने के बाद फिर आपने उर्दू का पेपर लिखना है. ठीक है, उर्दू में पेपर लिखना है इस्लामियत का, तो ये चीज भी आपको ध्यान में रखनी है. दूसरी चीज, ऑल दोज़ हू हैव बीन टू उर्दू मीडियम स्कूल्स, राइट? क्योंकि सीएसएस तो हमारे पाकिस्तान में, हमारे मुल्क में मुख्तलिफ खितों में से लोग करते हैं. सिंध से भी हैं, बलूचिस्तान से भी हैं, ठीक है, केपी के से हैं, पंजाब से हैं. तो जो उर्दू मीडियम्स में पढ़ रहे होते हैं, ठीक है, तो उनके लिए तो उर्दू आसान होती है. मतलब दे नो ऑल टेक्निकल टर्म्स ऑफ उर्दू लैंग्वेज, दे नो हाउ टू राइट वेल इन उर्दू, उनकी हैंड राइटिंग भी उर्दू में अच्छी होती है, तो उनके लिए तो ठीक है. लेकिन जो उर्दू मीडियम में नहीं पढ़े और उनकी उर्दू वैसे भी ठीक नहीं है लिखने में, हैंड राइटिंग का मसला हो या वैसे उनके जो टेक्निकल टर्म्स होते हैं उर्दू के, या उसकी जो फ्लावरी लैंग्वेज होती है या खूबसूरत लैंग्वेज उर्दू की होती है, एक्सप्रेशन होती है, वो नहीं है, तो मेरे ख्याल में फिर आप नहीं करना चाहिए. लेकिन अदरवाइज इफ़ यू हैव दीज ऑल क्वालिटीज़ इन उर्दू, देन यू मस्ट गो फॉर इट. एंड इफ़ यू फील सुटेबल कि आप 5 अंग्रेजी के पेपर लिखने के बाद उर्दू में स्पीड मेंटेन कर सकते हैं, तो गो फॉर दैट. ठीक है, तो इसका स्कोर से कोई ताल्लुक नहीं है. Thank you very much.